हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों देखिएगा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा दिनांक 18 नवंबर मतलब कल एक परिपत्र जारी किया गया। दोस्तों देखिएगा, काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, ये मामला कोर्ट में भी गया और इसी के बाद फलस्वरूप देखिएगा है क्या कि जो करंट एम्प्लॉयज ऑफ मध्य प्रदेश 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट उनकी हो रही है तो उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा, वेतन वृद्धि दी जाएगी। देखिए दोस्तों, साल में नए नियम के मुताबिक दो बार वेतन वृद्धि दी जाती है, पहला जनवरी के डेट के हिसाब से 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। तो यही है कि अगर ये रिटायर इन डेट्स भी होते हैं तो उनको जो इंक्रीमेंट है रिटायरमेंट के बाद भी वो एक मिलता है। देखिए दोस्तों है क्या, ये आप टोटल पढ़िएगा, मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो नई पेंशन योजना है इसमें जो एम्प्लॉयज को ये बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो ओपीएस में आ रहे हैं, पुरानी पेंशन में आ रहे हैं, या फिर जो प्रस्तावित यूपीएस में आएंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो औसतन लास्ट विथड्रॉन सैलरी है वो काल्पनिक तौर पे ज़्यादा मानी जाएगी और उसी के आधार पे आपकी पेंशन बनेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपका लास्ट विथड्रॉन सैलरी जो भी होता है उसी के आधार पे आपका न सिर्फ पेंशन बल्कि और भी कई सारे जो आपको पक्ष मिल रहे होते हैं, लाइक ग्रेच्युटी वगैरह, ईएल वगैरह, उन सब में आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक ना। लेकिन इसके मुताबिक जो आपका काल्पनिक वेतन वृद्धि है वो जो आपका ग्रेजुटी है या ईएल है उसका मोनेटाइजेशन है और भी बेनिफिट्स हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन फॉर ओपीएस फॉलिंग एम्प्लॉयज और दोज हु विल चूज यूपीएस और आल्सो दोज एम्प्लॉयज हु आर इन एनपीएस। तो दोस्तों ये ओवरऑल अपडेट है, मुझे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस हिसाब से जो एनपीएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको किस हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी लास्ट विथड्रॉन सैलरी एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट के वक्त पे उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है, जब तक कि उनको जो ग्रेजुटी है या फिर ईएल वगैरह का है वो इसके साथ एडवांस तौर पर एड ना दिया जाए। दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट है, कोई भी अपडेट होगी मैं ला करूँगा। थैंक यू।